श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे सोम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले दीपक के तीन महाउपाय। इन तीन महाउपायों में से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए पूरे प्रदोष व्रत का आप सुख पाएंगे, सोमवार पूजा का सुख पाएंगे। अगर पशुपति व्रत है तो भी इस वीडियो उपाय को आप कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी के सभी कामना सिद्ध हो और जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वह अति शीघ्र दूर हो। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला दीपक आप सभी जानते होंगे, शिव शक्ति के नाम का दीपक गुरुजी बताते हैं। शिव और शक्ति के नाम का जो दीपक है वह दिव्य दीपक के रूप में जाना जाता है। आप चाहें तो इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। कहाँ पर करना है ध्यान से सुनिए। या तो इस दीपक को बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना है। अगर बेलपत्री वृक्ष ना हो तो शिव मंदिर में भी इस दीपक को आप सभी जला सकते हैं। कैसे जलाना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को एक या तो आटे के दीपक का निर्माण कर लीजिए, नहीं तो सामान्य माटी का दीपक भी ले सकते हैं। उस दीपक के अंदर दो बत्तियाँ रखनी है। एक लंबी बत्ती लगेगी जो कि माँ शक्ति के नाम की होगी, एक शिव के नाम की गोल बत्ती लगेगी। दोनों बत्तियाँ अलग अलग लगानी है। यह घी की बत्तियाँ संभव हो तो वह रखिएगा। ना होने की अवस्था में कुछ ना करने की बजाय कुछ करना ज़्यादा बेहतर है, तो आप जो है तेल की बत्ती भी लगा सकते हैं। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव शक्ति का, माँ पार्वती और महादेव का ध्यान करते हुए इस दीपक को या तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए या महादेव के मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। यह दीपक जो है सुबह भी प्रज्वलित किया जा सकता है, शाम को भी इस दीपक को आप जला सकते हैं। तो पहला उपाय यह है जो आप सभी को करना है। हमेशा दीपक का मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना ज़्यादा श्रेष्ठ कर माना जाता है। कुछ भी समझ में ना आए तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप पाएंगे। तो पहला उपाय इस तरह से है जो मैंने बताया। दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं तुम्रुका जी के नाम का दीपक जो व्यक्ति लगातार लगाता है ना, उसके जीवन में आने वाली सभी अड़चनें अति शीघ्र दूर हो जाती हैं। तुम्रुका जी का दीपक महादेव के ही मंदिर में लगता है। या तो आप शिव शक्ति वाले दीपक का उपाय कर लीजिए या तुम्रुका जी वाले का कर लीजिए। तुम्रुका जी वाला दीपक गोल बत्ती का लगता है, जिसमें थोड़ा सा काले तिल की मात्रा हम सभी को डालनी होती है। और तुम्रुका जी का स्मरण ध्यान करते हुए यह दीपक भी आप सभी शिव मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही तिल का आसन दे दीजिए या सामान्य तिल का दीपक लगा दीजिए, जिससे कि तुम्रुका जी की कृपा और महादेव की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे। तो दूसरा दीपक का उपाय यह है। अब इन दो दीपकों को आप लगाने में असमर्थ है, कोई कारण रहा हो, तो तीसरा उपाय गुरु जी कहते हैं, आप प्रदोष के दिन व्रत नहीं कर सके, कोई पूजा नहीं कर सके, कोई पाठ नहीं कर सके, कोई विशेष उपाय नहीं कर सकते हैं ना, तो मात्र आप एक दीपक अपने घर के आगे लगा कर देखिए। आपके जीवन में सभी कष्ट मिटते चले जाएंगे और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। आप सभी सामान्य तौर पर भी दीपक शिव मंदिर में बेलपत्री वृक्ष में लगा देते हैं तो अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहीं नहीं जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा भाव करते हुए कि महादेव माँ पार्वती संग मेरे घर में आगमन कर रहे हैं, आप एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं ना, वह बनते चले जाएंगे और मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। जय श्री राधे, हर हर महादेव।